नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, अर्थात कि जो हम चाहते हैं वह प्राप्त करने का समय। सुबह का समय दोस्तों आपने देखा होगा, ऊर्जा का समय होता है। प्रकृति के अंदर ऊर्जा दिखाई देती है, प्रकृति के अंदर एक नई ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, रात का समय अपने आप ही आपने देखा होगा कि अपने आप थकान का समय होता है और रात्रि को प्रत्येक व्यक्ति को थकान आती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले सुबह सुबह 21 बार बोल देंगे यह शब्द, तो निश्चित तौर पर दोस्तों 100 दिशाओं से धन बरसता है और 100 दिशाओं के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप कहीं दूर नहीं जाए, आपको निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज हम आपको जो मंत्र बताएंगे, बस आपको इस मंत्र का कोई भी प्रकार का जाप करना चाहिए, समझ जाइए कि आप निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए के मालिक बन जाते हैं बस इस मंत्र का जाप करने से। तो दोस्तों, इस विधि को करने से पहले आपसे निवेदन है, किसी का भी बुरा चाहने के लिए आप इस विधि नहीं करें, और साथ ही साथ अच्छा चाहने के लिए आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, सुबह का समय ब्रह्मा का समय होता है, भगवान विष्णु का समय होता है, माता सरस्वती का समय होता है। इस दिन आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त होता है। तो आप क्या करें, अपने आलस्य को त्याग दें। सबसे पहले तो सुबह का आलस्य दूर होने के बाद योग करने की मुद्रा के अंदर बैठ जाएं। उस उठते ही आप कोई कार्य करें ना करें, इस प्रकार का काम जरूर करें। उसके बाद अपने मन ही मन आपको अपने इष्ट देव का ध्यान अपने मन के अंदर लाना है। मन के अंदर इष्ट देव का ध्यान लाएं या ब्रह्मा विष्णु महेश माता लक्ष्मी आदि का ध्यान आप लेकर आएं। और लेकर आने के बाद अपनी दोस्तों जो हथेली रहती है, दोस्तों हथेली से हम अपने समय के अच्छे और बुरे दोनों काम करते हैं। दोस्तों, अपने हथेली को कर भी कहा जाता है, हाथों को कर भी कहा जाता है, और कर से हम अच्छे और बुरे काम दोनों करते हैं। इसके मुख्य भाग में माता सरस्वती, उसके बाद ऊपर के भाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, और मध्य नीचे के भाग के अंदर गोविंद और ब्रह्म निवास करते हैं। तो दोस्तों, जो हम चाहते हैं हमारे हाथों के द्वारा हो जाता है। इसी के साथ ही हम अच्छे और बुरे दोनों काम करते हैं, तो इसके लिए हमें इनके मंत्रों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब हम अपने दोनों हाथों को मिलाते हैं तो एक त्रिशूल की आकृति बनती है, और वह आकृति ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रतीक होती है, और साथ ही साथ इनको मिलाने से आपके सारे ग्रह दोष भी दूर होते हैं। अब दोस्तों, इनको अपने हाथों के अंदर लगा लें, और लगाने के बाद दोस्तों धन खींचने का यह एक प्रभावशाली मंत्र आपको जाप करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं इस मंत्र के बारे में, जो अपनी हथेली को लेकर आपको अपनी आंखें बंद करने के बाद 21 बार इस मंत्र को बोलना है। दोस्तों, यह मंत्र है ओम श्रीम श्रिय नमः, ओम श्रीम श्री नमः। दोस्तों, यह धन प्राप्ति का मंत्र है। इस मंत्र को जाप करने से दोस्तों निश्चित तौर पर धन आपके सामने खींचा चला आएगा। अगर दोस्तों आपको धन की हमेशा जरूरत रहती है, तो आपको इस मंत्र को इस प्रकार बोलना, ओम श्रीम श्री नमः धन दे, तो निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि विद्या के अंदर आपको अच्छे नंबर आए, पढ़ाई के अंदर आप एनर्जिक हो, तो आपको इस मंत्र के आगे बस इस प्रकार से बोलना है, ओम श्रीम श्री नमः विद्या दे, तो निश्चित तौर पर विद्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको आपको सुंदर काया चाहिए, सुंदर त्वचा चाहिए, और आप चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रूपवती आप लगे और आपका निखार निश्चित तौर पर उत्तम हो, तो आपको इसके अंदर बोलना है, ओम श्रीम श्री नमः रूपम देहि। आपको निश्चित तौर पर अच्छा रूप की प्राप्ति होती है, आपको सुंदर काया के मालकिन आप बन जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो दोस्तों आपको बस इसी प्रकार मंत्र के आगे ओम श्रीम श्री नमः यही रहेगा। जो आप कृपा भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं वह इसके आगे लगाकर आप बोल दें, निश्चित तौर पर दोस्तों वह चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती है, और देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों,
मंत्रों की यही शक्ति रही है कि मंत्रों के द्वारा राक्षसों ने भी मंत्रों का जाप करके भगवान से आशीर्वाद दिया है और उन आशीर्वाद का अपने जीवन के अंदर उपयोग किया है। तो दोस्तों आप भी इनका जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर रुपए पैसे आते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। विद्या, धन, बुद्धि, घर परिवार सारा का सारा इस मंत्र के माध्यम से आपको हासिल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन के अंदर इसका फ़ायदा देख सकते हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।